हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डियर एक्स दिवस पाल और आज हम लोग रीड करने वाले हैं 11th क्लास का 8th चैप्टर जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, यानी कि कोशिका संरचना एवं कार्य, यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेल होती क्या है। तो सेल हमारे जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, कोशिका कहीं पर भी जीवित रह सकती है। जीवन के प्रत्येक कार्य करने की इसके पास क्षमता होती है, जीवन के लिए जो भी कार्य करना हो ये सब कर लेती है। अब सेल की बात करें कि सेल की स्टडी की बात करें कि कौन सी ब्रांच होती है सेल की स्टडी करने के लिए, तो पहले जो हम लोग यूज़ किया करते थे वो थी साइटोलॉजी, और अभी की बात करूँ वर्तमान की तो हम लोग सेल बायोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब सेल के टाइप की बात करें तो 2 टाइप की सेल होती है हमारे पास में, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। हमेशा याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें हमेशा एक कोश की जीव आते हैं, और एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आए हैं यहाँ से क्वेश्चन, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। और अब हम लोग यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें 2 कोशिका आती है, यानी एक कोश की जीव भी आते हैं इसमें और बहुकोश की जीव भी आते हैं। एक कोश की जीव की बात करें तो एग्जांपल है प्रोटोजोआ, और बहुकोश की जीव की बात करें तो इसमें पादप भी आते हैं, फंजाई यानी कवक और जंतु, ये 3 कैटेगरी इसमें आती है। अब कोशिका की खोज की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए थे, ये आए थे 1665 में। इन्होंने क्या किया, कार्क की एक पतली काट ली। कार्क क्या होता है, प्लांट का एक पार्ट होता है, पेड़ का एक पार्ट होता है। तो कार्क की पतली काट पर इन्होंने अध्ययन किया। तो देखो, अगर पेड़ का कोई पार्ट है उसको अगर आप निकाल लोगे तो कुछ समय बाद तो वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए रॉबर्ट हुक को जो है ना मृत कोशिका की खोज का जनक माना जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें एंटोनी लुवेनहॉक की, तो ये आए 1674 में। इन्होंने क्या किया, तालाब के जल पर स्टडी की और जो है जीवित कोशिका की खोज की। इसके बाद हम लोग बात करें रॉबर्ट ब्राउन आए, ये आए 1831 में। इन्होंने क्या किया, केंद्रक की खोज की। इसके बाद क्या हुआ, इतनी खोज होने के बाद में बहुत समय तक के कोई भी खोज नहीं हुई, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी उस समय तक के नहीं आया था, या आया भी था तो उतना डेवलप नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी में सुधार होने लगा। फिर आए जेई पुरकिंजे, और इन्होंने क्या किया, जीवद्रव्य की खोज की। जीवद्रव्य यानी सेल के अंदर जो पानी रहता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे और भी ऑर्गन्स की खोज होते, सॉरी ऑर्गन्स नहीं, कोशिकांगों की जो है खोज होते चली गई, जो हम लोग कोशिकांगों के साथ में देखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी का, क्योंकि नीट में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोग सेल थ्योरी की बात करें तो इसको 2 वैज्ञानिकों ने दी थी, एक थे वनस्पति शास्त्री यानी बॉटनिस्ट, और एक थे जंतु शास्त्री यानी जूलॉजिस्ट। तो बॉटनिस्ट की बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है कि ये वैज्ञानिक जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, और जो जंतु शास्त्री थे यानी जूलॉजिस्ट थे वो ब्रिटिश के रहने वाले थे। अब वनस्पति शास्त्री की बात करें तो इसमें आता है एमजे स्लेडन, और जंतु शास्त्री की बात करें तो इसमें आते हैं टी स्वान। तो जो स्लेडन आए थे वो आए थे 1838 में, और टी स्वान आए थे 1839 में। अब एमजे स्लेडन की बात करूं तो जैसा कि ये वनस्पति शास्त्री, तो सिंपल सी बात है कि ये जो स्टडी करेंगे किस पे करेंगे, प्लांट पे करेंगे। तो इन्होंने जब स्टडी की तो इन्होंने पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी बात है कि जो पूरा का पूरा प्लांट है वो किससे मिलके बनाऊंगा, कोशिका से। इसके बाद जो जंतु शास्त्री आए टी स्वान, इन्होंने सिंपल सी बात है कि जंतुओं पे स्टडी की होंगी, तो इन्होंने भी बोला कि हम लोग जो बने हुए हैं जितने भी जंतु हैं वो सब कोशिका से ही मिलके बने हैं, और जंतु कोशिका के बाहर जो है ना एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल हम लोग जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई। जो है टी स्वान की बात करूँ तो इन्होंने जंतु के बारे में बता दिया, स्लेडन ने प्लांट के बारे में बता दिया, दोनों ने एक ही बताया कि जो है कोई भी प्लांट वाले ने बताया कि प्लांट कोशिका से मिलकर बनी होती है, जंतु वाले ने बताया कि जंतु कोशिका से मिलकर बनी होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से याद रखना, इतनी बातें होने के बाद में जो स्लेडन थे वो तो वनस्पति शास्त्री थे, उन्होंने कोई स्टडी नहीं की, इतनी स्टडी की। और जो टी स्वान की बात करें तो ये जंतु शास्त्री थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, पादप पे अध्ययन किया यानी प्लांट पे अध्ययन किया। तो इन्होंने क्या बताया कि पादप ऊतक जो होते हैं यानी प्लांट टिश्यू जो होते हैं, जब इन्होंने उसका अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना, ये टी जो है स्लीडेन ने नहीं बताया, जबकि स्लीडेन जो है वनस्पति शास्त्री थे, ये किसने बताया, जंतु शास्त्री ने, जो टी स्वान थे, उन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसमें जो है कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। तो प्राणी और वनस्पति का शरीर जो है कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है, ये टी स्वान ने हम लोगों को बताया। तो सिर्फ अंतर क्या है, अंतर ये है कि प्लांट में जो है कोशिका भित्ति होती है और जंतु में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ये किसने बताया, टी स्वान ने। चलो अब आगे देखें तो स्लीडेन व स्वान की बात करें तो दोनों ने मिलकर अब क्या किया, कोशिका सिद्धांत दे दिया, क्योंकि मिलता जुलता ही इन्होंने जो है कथन दिया था। तो दो जो है 1838 और 39 इसको जो है कोशिका सिद्धांत माना जाता है, कोशिका सिद्धांत का पीरियड माना जाता है, याद रखना। तो स्लीडेन व स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका परिकल्पना से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में कि कोशिका परिकल्पना किसने की थी, यानी सेल हाइपोथेसिस, यानी एक परिकल्पना कि ऐसी हो सकती है सेल, अभी सेल की स्टडी नहीं हुई, इन्होंने बताया कि शायद ऐसी सेल हो सकती है, तो स्लीडेन और स्वान ने ही बताया था। तो बहुत अच्छी स्टडी की इन्होंने, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो स्लीडेन और स्वान हैं इनका जो सिद्धांत था क्या बताने में असफल रहा। तो याद रखना इनका जो कोशिका सिद्धांत था असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, इन्होंने जो है इस सिद्धांत में नहीं बताया। अब कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या थे, तो ये अपवाद तो आपको पता है ना, अपवाद क्या होते हैं, कोई चीज़ होने के बाद हम लोग नुक्स निकालते हैं कि शायद ये ऐसा होता तो अच्छा होता। तो कोशिका सिद्धांत के वैसे ही जो है अपवाद हैं, तो अपवाद क्या है, वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना, फिर से सुन लो, वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन। इसके बाद हम लोग बात करें तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत यानी मॉडर्न सेल थ्योरी, ये रुडोल्फ विर्चो ने दी थी, कब दी थी, 1855 में। इन्होंने पहली बार स्पष्ट किया था कि कोशिका विभाजित होती है। तो कोशिका विभाजन वाले चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन पहली बार कोशिका विभाजित होती है, किसने बताया था, तो याद रखना रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। रुडोल्फ विर्चो ने क्या एक स्टेटमेंट दिया था, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, आपको याद रखना, ओमनी सेलुल ई सेलुला। अब इसका मतलब क्या होता है, फिर से सुन लो, पहली बात तो ये टर्म्स क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ से कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है। रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा, ओमनी सेलुल ई सेलुला, ओमनी सेलुल ई सेलुला याद रखना है आपको। क्या होता है इसका मतलब, कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका के विभाजन से होता है, यानी नई कोशिका बनेगी तो कहाँ से बनेगी, जब पहले की कोशिका विभाजित होंगी उसी से जो है नई कोशिका का निर्माण होगा, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से ही बने होते हैं, सभी कोशिकाएँ पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होती है, ये अपन ने पहले ही देख चुके हैं। अब कोशिका माप की बात करें यानी साइज ऑफ सेल, तो हम लोग लिविंग सेल की बात करेंगे और ह्यूमन सेल की बात करेंगे, लिविंग यानी सजीव कोशिका, ह्यूमन सेल यानी कि मानव कोशिका। अब लिविंग सेल की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आता है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। तो माइकोप्लाज्मा की बात करें, याद रखना कई बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है, ये एनसीईआरटी ने भी दिया है तो याद रखना, और कई बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, सबसे छोटी कोशिका होती है, कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। जीवाणु की बात करें तो ये होती है 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, तो ये बोला जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका होती है, लेकिन जब किसी जीव के बारे में पूछा जाए तब। लेकिन हम लोग मानव कोशिका की बात करें तो याद रखना लाल रक्त कोशिका, जिसका साइज 7.0 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद तंत्रिका कोशिका की बात करें तो ये सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखना सबसे बड़ी नहीं, क्या होती है, सबसे लंबी, मतलब लंबाई में बड़ी होती है, यानी नर्व सेल। स्त्रीलिंग अंडाणु यानी कि फीमेल ओवम, ये याद रखना सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव कोशिका में। इसके बाद नर शुक्राणु यानी कि स्पर्म, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोशिका का आकार यानी शेप ऑफ सेल, तो कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है बिंबाकार यानी कि डिस्क लाइक, बहुभुजी यानी पॉलीगोनियल, स्तंभी यानी कॉलमनर, घनाभ यानी कुबॉइड, धागे की तरह या जो है असमकृति जिसको अपन कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या फिर इन रेगुलर। तो ये बाबा गूगल आप कर सकते हो कि ये किस टाइप से होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दो सेल अपन ने देखी थी,
एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी कौन सी होती है यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसके एग्जांपल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका देखने को मिलता है जीवाणु। अब जीवाणु के आकार की बात करें तो ये चार आकार होते हैं इसके। पहला होता है दंडाकार, सो वन मिनट। पहला होता है दंडाकार जिसको अपन बैसिलस कहते हैं, दूसरा होता है गोलाकार जिसको अपन कोकस कहते हैं, तीसरा होता है कोशाकार जिसको अपन विब्रियो कहते हैं, लास्ट होता है सर्पिल यानी कि स्पाइरल। ये चार शेप के जो है जीवाणु हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो हम लोग मोनेरा जगत में इसे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है नील हरित शैवाल, उसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा, उसके बाद आता है प्लूरो निमोनिया सम जीव जिसको कहते हैं PPLO। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है नीट में, PPLO का फुल फॉर्म हिंदी में क्या है, प्लूरो निमोनिया सम जीव। इंग्लिश की बात करें तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा के बारे में एक लाइन दी है NCERT ने, हालांकि इसको डिटेल में अपन मोनेरा जगत में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे NCERT माता हमको कहती है कि माइकोप्लाज्मा वो कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जो यूकैरियोटिक कोशिका से बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से जो है विभाजित होती है। इसके बाद बात करें तो राइबोसोम के अलावा यूकैरियोटिक अंगक इसमें नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम पाया जाएगा, बाकी कोई भी कोशिकांग इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। चलिए अब अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है इसमें 3-लेयर स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहरी स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। कई बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्या है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो आपको याद रखना है ये ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है, अगर इसका ढीला आवरण होगा, लूज आवरण होगा, तो इसको अपन कहेंगे स्लाइम लेयर यानी कि अपंक परत। अगर ये जो लेयर है ये मोटी हुई या कठोर हुई तो इसको अपन क्या कहेंगे, कैप्सूल यानी कि संपुटिका। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आती है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे कोशिका का आकार निर्धारित करती है, ये जीवाणु को फटने से बचाती है। इसके बाद इसको अभिरंजित करें, अभिरंजित का मतलब क्या होता है, इसको स्टेनिंग करते हैं यानी इसको जब रंगते हैं तो क्या होता है, अगर इसमें रंग आ गया तो उसको अपन कहते हैं ग्राम पॉजिटिव कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। अगर अपन ने इसको रंगा और रंग नहीं आया तो इसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। क्लियर है? तो सेल वॉल 2 टाइप की होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जिसमें कलर आया वो ग्राम पॉजिटिव, जिसमें कलर नहीं आया वो क्या होंगी, ग्राम नेगेटिव। इसके बाद आती है कोशिका झिल्ली जिसको अपन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, ये होती है अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमेबल, कुछ मटेरियल को अंदर जाने देंगी, कुछ को नहीं जाने देंगी। कोशिका को बाह्य वातावरण के संपर्क में ये बनाए रखती है। इसके बाद यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी ही ये होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो 3 चीज़ें समझ में आ गई आपको याद रखना है, सबसे बाहर क्या है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद क्या है कोशिका भित्ति, उसके बाद क्या है कोशिका झिल्ली। अब नीट में क्वेश्चन आया आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना बताइए बाहर से लेके आंतरिक, यानी बाहरी से लेके आंतरिक। तो क्या बताऊँगे, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली। अगर क्वेश्चन चेंज हो गया, बोल दिया कि आंतरिक से बाहर की तरफ बताओ, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और फिर क्या आ जाएंगी ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में भी 2 आएंगी, अगर ढीला आवरण है तो स्लाइम लेयर, मोटा है तो कैप्सूल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई, ये फोल्ड हो गया है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है। तो उस मुड़े वाले स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, उस मुड़े वाले स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं मीजोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आया है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड हो जाती है, वहाँ पे अंतर्वलन होता है कोशिका झिल्ली में, तो उसके जो स्ट्रक्चर वहाँ पे जो बनता है उसको अपन कहते हैं मीजोसोम। क्लियर है क्या? ठीक है। मीजोसोम की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है श्वसन का काम करता है और यहाँ पे मीजोसोम भी क्या करता है, श्वसन का काम करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जो कोशिका भित्ति में जो अंतर्वलन होता है ना, जो
तो वहाँ पे तीन टाइप से होता है, तीन स्ट्रक्चर बनते हैं वहाँ पे, पुटिका यानी कि लैमिला, नलिका यानी कि ट्यूबल्स और पटलिका यानी कि वेसिकल्स। अब जो कोशिका भित्ति में अंतर्वलन होता है यानी कि जो वहाँ पे वो उसमें फैलाव होता है, तो होता क्या क्या है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, संतति कोशिका में वितरण, श्वसन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो ये तो थ्योरी है एनसीईआरटी की, लेकिन सबसे की पॉइंट क्या याद रखना है कि मिसोसोम का काम क्या है, श्वसन। इसके बाद स्त्रावी प्रक्रिया भी ये करती है, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र व एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में भी क्या करती है, ये सहायता करती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये किसके बारे में पढ़ लिया अपन ने, मिसोसोम। तो मिसोसोम के बारे में की पॉइंट क्या है कि मिसोसोम क्या होता है, तो कोशिका भित्ति के अंतर्वलन यानी फोल्डेड स्ट्रक्चर को अपन मिसोसोम कहते हैं। मिसोसोम का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, श्वसन का। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले अपन फ्लैजिला की बात कर लेते हैं। फ्लैजिला क्या होता है, जिससे आपने देखा होगा ना वो डिटॉल का एड या थ्री इडियट मूवी देखी होंगी, जिससे जो है जीवाणु जो है गति करते हैं, उसको अपन कहते हैं फ्लैजिला। तो कोशिका भित्ति जैसी ही होती है और पतली संरचना होती है, तो फ्लैजिला की बात करें तो इसका कार्य क्या है, गति का। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं कि फ्लैजिला किससे बना हुआ है, तो एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसको अपन कहते हैं फ्लैजिलियन प्रोटीन। इसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है जहाँ से मैं अभी बता रहा हूँ, तो आपको याद रखना है कि इसके तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है फिलामेंट यानी कि तंतु, दूसरा होता है अंकुश यानी कि हुक, तीसरा होता है आधारकाय यानी कि बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से जो है नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिलामेंट क्या होता है या तंतु क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है, यानी जो कोशिका होती है उससे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपन फिलामेंट कहते हैं। अंकुश क्या होता है, मध्य का भाग होता है। बेसल बॉडी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर स्थित होती है। आपको याद रखना है जो कोशिका भित्ति है और कोशिका झिल्ली के जो बीच का स्पेस है उसको अपन क्या कह देते हैं, बेसल बॉडी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भूलना मत, बेसल बॉडी क्या होती है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच के स्पेस को अपन क्या कह देते हैं, बेसल बॉडी कह देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रोम या झालर, जिसको अपन फिमरी कहते हैं, फ्लाई कहते हैं, यानी ये क्या करती है, तो ये गति में सहायता नहीं करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना, जो यहाँ पे झालर होती है या जो फिमरी होती है ये गति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है, ये जो है फिमरी क्या करती है, तो लंबी नलिकाकार संरचना है, यह आपको याद रखना है पाइलिन प्रोटीन की बनी होती है, लघु सूक्ष्म जैसे तंतु होते हैं यानी स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स की ये बनी होती है। कुछ जीवाणुओं में पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये की पॉइंट याद रखना। क्या होता है, किसी भी टॉपिक की बात करूँ या किसी भी स्ट्रक्चर की बात करूँ या किसी भी स्ट्रक्चर के पार्ट्स की बात करूँ, तो उसमें एक की पॉइंट होता है जहाँ से नीट में क्वेश्चन बनता है, मतलब इतना सारा नहीं पूछा जाता, सिर्फ एक की पॉइंट होता है। तो अगर झालर से क्वेश्चन पूछा, फिमरी से क्वेश्चन पूछा, तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या करते हैं, ये कुछ जीवाणु में होते हैं जब पानी की धारा यानी जो चट्टान होती है वहाँ से पानी बहते रहते हैं, तो वहाँ पर चिपकने के लिए या किसी भी टिश्यू के ऊपर चिपकने के लिए ये क्या करते हैं, या पोषण लेने के लिए यहाँ पर ये फिमरी या झालर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट बात करें तो इसमें राइबोसोम की अपन बात कर लेते हैं। राइबोसोम क्या होता है, मैंने बोला था कि एक ही स्ट्रक्चर होता है इसमें, तो याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ना एक ही राइबोसोम होता है, मतलब एक ही राइबोसोम तो होंगे ही, जो इसके टू टाइप होते हैं, तो एक होता है 70S, क्योंकि मैं जहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम जा रही है, लेकिन आपको पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या होता है, 70S होता है, इसमें टू टाइप के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो 80S वाला हम लोगों को यूकैरियोटिक में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमको कौन सा देखने को मिलेगा, 70S। क्लियर है, तो 70S की बात करूँ तो इसकी भी दो सब यूनिट होती है, एक 50S और एक होती है 30S। ये अपन जब राइबोसोम पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके बाद राइबोसोम के साइज की बात करूँ तो 15 से लेकर 20 नैनोमीटर का हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मीसोसोम पढ़ लिया अपन ने। अब मीसोसोम की बात करें तो क्या करता है, ये श्वसन का काम करता है। तो हम लोग बात करते हैं, झिल्ली में विस्तार अगर नील हरित जीवाणु में हो, तो ये तो बैक्टीरिया की बात करी थी, लेकिन सेम टू सेम ऐसा जो है विस्तार हो, मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाए नील हरित सवाल में, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको मीसोसोम नहीं कहेंगे, फिर अपन उसको क्या कहेंगे, वर्णक लवक कहेंगे। क्लियर है, क्या कहेंगे, सॉरी वर्णी लवक कहेंगे उसको अपन, क्या कहेंगे, वर्णी लवक। लवक यानी क्या होता है, प्लास्टिड, और वर्णिकी यानी कि पिगमेंट। तो यहाँ पे जो है वर्णक पाए जाते हैं इसमें, पिगमेंट पाए जाते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, नील हरित जीवाणु में। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार, कि यहाँ पे जो द्रव्य है, हर कोशिका में अपना एक द्रव्य होता है, तो यहाँ पे जो द्रव्य होता है ना, वहाँ पे कुछ पिंड पाए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं अंतर्विष्ट पिंड, यानी कि इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है। तो ये इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि जो अंतर्विष्ट पिंड होते हैं ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। कौन कौन से इसमें जो है पिंड देखने को मिलते हैं या कण देखने को मिलते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं फॉस्फेट कणिकाएँ देखने को मिलती हैं, साइनोफाइसिन कणिकाएँ देखने को मिलती हैं, और ग्लाइकोजन कणिकाएँ देखने को मिलती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना, कौन कौन से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अंतर्विष्ट पिंड वो होते हैं जिसमें झिल्ली नहीं होती है, तीन होते हैं जिसमें फॉस्फेट कणिकाएँ, साइनोफाइसिन कणिकाएँ और ग्लाइकोजन कणिकाएँ आती हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक के? चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख चुके, अब अपन बात करते हैं इसके डीएनए के बारे में। तो याद रखना, डीएनए की बात करें तो यहाँ पे गुणसूत्र, सॉरी जो डीएनए होता है वो सूक्ष्म व वृत्त होता है, सूक्ष्म यानी माइक्रो, वृत्त यानी कि सर्कुलर मोशन में होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डीएनए देखने को मिलता है या जो केंद्रक देखने को मिलता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन केंद्रकाप कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहते, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी केंद्रकाप कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया यहाँ से, या इसको अपन जीनोमिक डीएनए या फिर प्रारंभिक डीएनए कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको केंद्रकाप या न्यूक्लियोइड, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे अनुवांशिक पदार्थ जो है नग्न होता है, वह केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। याद क्या है? समझ में आया, अनुवांशिक पदार्थ नग्न, यानी कोई भी इस पे जो है केंद्रक झिल्ली नहीं है, स्पष्ट विभेदित केंद्रक झिल्ली इस पर नहीं होती है। ये याद रखना है कि मतलब ये जो होता है ना, इस पर कोई भी जो है झिल्ली हम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। पूरा डीएनए का जो मटेरियल है या जीनोम जेनेटिक मटेरियल पूरा बिखरा पड़ा है, इसलिए इसको केंद्रकाप कहते हैं। तो याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला केंद्रक जो है अविकसित होता है, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, इसलिए उसको केंद्रकाप या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो इस फ्लूड में यानी इस द्रव्य में अपन ने क्या देखा था, एक अंतर्विष्ट पिंड थे वो आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें कुछ गैस राजधानी होती है, तो गैस राजधानी कौन कौन सी होती है, तो इसमें होती है नील हरित, बैगनी, हरी प्रकाश, संश्लेषित जीवाणु। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ गैस राजधानी देखने को मिलती है, तो किस किस में देखने को मिलती है, तो नील हरित जीवाणु में देखने को मिल जाएंगी, बैगनी जीवाणु में देखने को मिल जाएंगी, इसके बाद हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में देखने को मिल जाएंगी, यानी कि तीन जीवाणु में हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, नील हरित जीवाणु, बैगनी जीवाणु हो जाएगा एक हो जाएगा हमारा हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, कि यहाँ पे क्या होता है, डीएनए तो ये मतलब केंद्रक तो होता है, लेकिन उसके अलावा भी एक और केंद्रक होता है, यानी केंद्रक का अंदर जो डीएनए होता है वो होता है, तो एक डीएनए है, उसके अलावा भी जो डीएनए है उसको अपन कहते हैं जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एक जो डीएनए होता है वहाँ, वो जो डीएनए होता है वो एकल गुणसूत्र का होता है, यानी गोलाकार डीएनए होता है, और डीएनए के जो व्रत होते हैं यानी कि जो गोले होते हैं व्रताकार जो एक पिंड होते हैं उसको अपन प्लाज्मिड कह देते हैं। तो की पॉइंट क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक डीएनए के अतिरिक्त जब दूसरा डीएनए होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो प्लाज्मिड होता क्या है, तो ये जो है बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन यानी कि मॉनिटर हेतु क्या होता है, उपयोगी होता है। तो ये आपको याद रखना है, जो बाहरी डीएनए के साथ में कोई भी रिलेशंस बनाने हो या मॉनिटरिंग करनी हो, उसका ध्यान रखना हो, या
बायोटेक्नोलॉजी में अपन देखने वाले हैं इस प्लाज्मिड के अंदर क्या करते हैं, अपन एक और डीएनए जोड़ देते हैं, तो ऐसा हमारा जो है डीएनए बनते चले जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड का और क्या की पॉइंट याद रखना है आपको कि विशिष्ट संलक्षणों को बताते हैं, यानी कि प्लास्टिड में आपने दूसरा डीएनए जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, तो वो समान लक्षण दिखने लग जाएंगे हम लोगों को, यानी जो अपन ने जोड़ा है ना डीएनए उसके लक्षण हम लोगों को दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद ये विशिष्ट संलक्षणों के प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं, प्रतिजीवी यानी कि एंटीबॉडी के क्या होते हैं, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी यानी उसका विरोध करते हैं ये। तो इतनी तो डिटेल में अगर अभी नहीं भी समझ में आया हो तो ये अपन बायोटेक्नोलॉजी में समझ लेंगे। यहाँ का की पॉइंट क्या है, बस आपको ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए का अतिरिक्त डीएनए होता है उसको अपन क्या कह देते हैं, प्लाज्मिड कह देते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका से भी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, तो एग्जांपल क्या है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका और फंजाई। तो हम लोग जंतु कोशिका का एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कि इसमें झिल्लीदार अंगक होते हैं, यानी जो भी अंग होंगे या जो भी कोशिकांग होंगे, जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे उस पर क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन का आवरण होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें एक सेल बाउंड्री होती है जिसको अपन कोशिका झिल्ली कहते हैं, तो यह आवरण का काम करती है। इसके बाद एक केंद्रक देखने को मिल जाता है, तो केंद्रक में भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि सबसे बाहर होंगी एक मेम्ब्रेन जिसको अपन केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस केंद्रक के अंदर भी कुछ ना कुछ द्रव्य होगा जिसको अपन केंद्रिका कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, सॉरी शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, एक बार फिर से जो है मैं रिपीट करता हूँ इसे, एक केंद्रक के ऊपर एक जो आवरण होगा उसको अपन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके बाद इसमें जो फ्लूइड होता है उसे अपन केंद्रक द्रव्य कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इन तीनों को मिला के अपन क्या कह देते हैं, केंद्रक, यानी न्यूक्लियस, जो व्यवस्थित केंद्रक होता है, पूरे सेल का जो मैनेज करने का काम होता है वो न्यूक्लियस का ही होता है। उसके नीचे हम लोगों को लाइसोसोम देखने को मिल जाएगा जिसको अपन आत्महत्या की थैली कहते हैं, यानी सुसाइडल बैग कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, उसी के बाजू में हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा जो कोशिका का ऊर्जा ग्राह है, एटीपी बनाने का काम करता है, पावर हाउस ऑफ सेल जिसको कहा जाता है। इसके बाद उसके बाजू में हम लोगों को गॉल्जी बॉडी देखने को मिलेंगी जिसको ट्रैफिक पुलिस का डायरेक्टर कहा जाता है। तो ये क्या करता है, पूरे सेल का ट्रैफिक क्लियर करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ऊपर साइड हम लोगों को जो है तारक का देखने को मिलेगा, यानी कि सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के बारे में आपको याद रखना है कि जंतु कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। इसके बाद आपको याद रखना, इसमें एक कोशिकांग होता है राइबोसोम जो 80S प्रकार का होगा। उसी के नीचे रिक्तिका देखने को मिलेंगी जिसको अपन वैक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, वैक्यूल्स जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में क्या होती है, बड़ी होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बच गया है इसका कि याद रखना है, केंद्रक के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, यानी केंद्रक से लग के ही होता है, पूरा फैला रहता है जाल के रूप में, तो उसे ही कहते हैं ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं अंतःप्रद्वी जालिका। तो ये क्या होता है, जालिका तंत्र जिसको अपन कहते हैं। तो अब आपको याद रखना है, जो केंद्रक के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर क्या होता है ना, राइबोसोम चिपके हुए रहते हैं। ये केंद्रक में बनते हैं राइबोसोम और केंद्रक से निकल के जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लग जाते हैं। तो जो केंद्रक के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पर राइबोसोम लगे हैं उसको कहते हैं अपन रप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो कोशिका झिल्ली के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर राइबोसोम नहीं लगे रहते तो इसको अपन कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास टू टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, एक हो गया रप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक कौन सा हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो हम लोगों ने क्या देखा, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, खोज देखी, सेल थ्योरी देखी, प्रोकैरियोटिक कोशिका देख चुके हैं, यूकैरियोटिक कोशिका देख चुके हैं। तो इस ऑडियो को जो है ना बार बार आप रिपीट करना ताकि सारा कंटेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाए और एग्ज़ाम में ईजिली क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सको, क्योंकि सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं नीट में। तो कल से जो है हम लोग सारे कोशिकांग स्टार्ट करेंगे, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।